अगर 27 तारीख तक हमको ये सबूत पेश नहीं किया जाता कि एनटीपीसी का काम पूरी तरह से बंद है, तो आप जानिए ये चेतावनी है कि 27 तारीख को जनता वहां बंद करेगी उस कंपनी को, जनता वहीं जाएगी। और अगर जो है आपने हमको उग्र करने पर मजबूर किया तो ये आंदोलन अब उग्र होने ही जा रहा है। जैसा कि मेरे से पहले इंद्रेश मैथुरी जी ने और बाकी सब लोगों ने कहा कि दिन लगातार बीतते जा रहे हैं और आप कुछ काम करने के बजाय लोगों को उलझा रहे हैं, लगातार लोगों को परेशान किया जा रहा है, लगातार उलझाया जा रहा है, आपके पास कोई नीति नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं। तो प्रशासन के साथ हमारे 5 लोग गए थे, तो अभी खबर आई है कि जब वो एनटीपीसी की टनल में गए और ये देखने की वहां काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो पता ये चला कि उन्होंने कह दिया कि साहब ये 6 किलोमीटर लंबी टनल है और इसमें आप पैदल चले जाइए। वो कह रहे हैं कि टनल में पानी भरा हुआ है और 6 किलोमीटर हम पैदल कैसे चले जाएं, जबकि वहां जाने के लिए पहले से ही वो ट्रेन एक होती है वो जाती है। अब कहा जा रहा है कि वो तो बंद है। मैंने कहा है कि आप तपोवन की तरफ भी जाएं और वहां की सुरंग भी देख के आए कि वहां क्या हालत है। अब क्योंकि अगर आपने हमारी यहाँ जाने की व्यवस्था नहीं की तो हम तो यही मानेंगे कि आपका काम चल रहा है, और वहां भी अगर आप जो है टनल के अंदर हमको जाने नहीं देते, देखने नहीं देते, तो हम ये मानेंगे कि आपका काम चल रहा है। और तब मैं आप प्रशासन के लोगों से कहना चाहता हूं, जो परसों हमने आपके साथ बातचीत की थी और उसमें कहा था कि आप हमको सबूत देंगे कि उनका काम नहीं चल रहा है, वैसे तो हमारी मांग है कि एनटीपीसी की परियोजना पूरी तरह से बंद होनी चाहिए, लेकिन अगर आप हमको देखने भी नहीं दे रहे हैं तो आप ये जानिए कि 27 तारीख को, पहले तो हमने 26 तय किया था, मैं तो 26 पर ही एग्री था, लेकिन गांव के लोगों ने एक मीटिंग की है और उस मीटिंग के बाद ये तय किया है कि 26 को, क्योंकि उनके यहाँ शादी है, 26 को पंचमी है और उस दिन बद्रीनाथ का दिन तय होना है, 26 को कुछ और भी कार्यक्रम है, लिहाजा उन्होंने 27 तय किया। तो आप जानिए ये चेतावनी है कि 27 तारीख को जनता वहां बंद करेगी उस कंपनी को, जनता वहीं जाएगी।